हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पास्ता, चीज़ी वेज पास्ता, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी आता है। और इतना इजी है इसे बनाना कि चुटकियों में इतना डिलीशियस चीज़ बनके आपके सामने तैयार। तो सबसे पहले हमें पास्ता चाहिए होगा, तो हमने पास्ता को यहाँ पे बॉईल करने की डाला है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा तेल और अब मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तेल इसलिए ऐड करूँगी ताकि पास्ता जो है वो स्टिकी ना रह जाए, मतलब चिपक ना जाए उसके लिए। और नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि पास्ता के अंदर बॉइलिंग करते वक्त ही थोड़ा सा नमक अंदर घुस जाए, ठीक है। अब मैंने बॉईल करने के लिए एक अलग सा पैन ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है सारे वेजेस को फ्राई करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैप्सिकम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के कैप्सिकम को फाइनली चॉप कर दिया है। आप चाहो तो आप कोई भी शेप में उसे कट कर सकते हो। फिर मैं ऐड करूँगी कैरोट्स। तो कैरोट्स मैंने यहाँ पर लंबे लंबे छोटे छोटे पीसीस में कट किए हैं। तो ये वेज पास्ता है इसलिए सारे टाइप के वेजिटेबल्स ही मैं ऐड करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ग्रीन पीस मेरे पास था नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने कॉर्न्स बहुत सारा ऐड कर किया है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हो। सो मैं सारे वेजेस को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम रखा है और कलरफुल लग रहे हैं ना एक वेजेस सारे। तो वेज पास्ता वैसे बहुत बनता है, बहुत टाइप के, ठीक है, लेकिन ये जो टाइप का मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मेरा फेवरेट डिश है। तो आज सैटरडे है तो हमने सोचा कि चलो वेज पास्ता बनाया जाए और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, 5 मिनट्स हो चुके हैं और वेजेस का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। सो अब मैं ऐड करूँगी पास्ता जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो जितने भी बॉईल किए हुए पास्ता थे वो मैं बारीक बारीक से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पास्ता को ऐड करूँगी और एक अच्छा सा मिक्स दूंगी, फिर ऐड करूँगी, फिर मिक्स दूंगी ताकि पास्ता सारे वेजेस के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत कलरफुल लग रहा है अभी। सो इस तरह से मैं सारे पास्ता को ऐड कर दूंगी। सब पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसे ढक दूंगी करीब 5 मिनट ऑन अ लो फ्लेम। सो आफ्टर 5 मिनट्स मैं देखती हूँ कि है ना अच्छे से पास्ता भी मिक्स हो चुके, थोड़े से वेजेस जो है वो बॉईल हो चुके हैं। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ पिज्ज़ा मिक्स। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनो है और बहुत सारे हर्ब्स हैं, तो मैं ये मिक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अलग सा फ्लेवर लाता है खाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा कलर चेंज करने के लिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ ग्रीन चटनी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये चटपटी चटनी, ग्रीन चटनी, ये अवेलेबल है लोकल शॉप में, रिलायंस मार्केट बोलो या फिर कोई भी बिग बाज़ार बोल दो, बिग बास्केट बोल लो। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। अगर ये वाली चटनी ना हो आपके पास तो आप ग्रीन चटनी घर पर भी बना सकते हो। सो वो ग्रीन चटनी ऐड करना है ताकि फ्लेवर एक बहुत ही चटपटा सा आए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हैं उसमें ही ये टेस्टी बन जाता है। सो सबसे पहले हर्ब्स, सोया सॉस,
ग्रीन चटनी। अब मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, ठीक है। तो टोमेटो केचप भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अगर आप टोमेटो केचप ना डाल सको तो उसके जगह आप चिली सॉस डाल सकते हो। चिली सॉस अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैं यहाँ पर टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी कुछ इस तरह। फिर मैं ऐड करने जाऊंगी चीज़। तो चीज़ यहाँ पे मेरे पास क्यूब्स में थे, तो मैंने ऐसे कट करके डाल रहे हैं। और मैंने फ्राइन ग्रीन अच्छे से ग्रीन लीव्स चॉप करके रखे थे, तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ। तो आप चाहो तो इसे ऑप्शनली अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, एक बार आप डाल के ज़रूर देखना। फिर मैं 5 मिनट तक इसे ढक दूँगी ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। और जैसे ही आफ्टर 5 मिनट्स में ओपन करके देख रही हूँ तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और वेज पास्ता हमारा बनके तैयार है, इट इज़ रेडी टू सर्व। तो हम चलो जल्दी से इस वेज पास्ता को खा लेते हैं, और बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही ईजी रेसिपी है, 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आशा कर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, फ़िलहाल के लिए बाय बाय।